इस समय नागपुर महाराष्ट्र के अंदर मौजूद है। यहाँ पे काफ़ी बहुत बड़ी घटना घटते घटते रुकी है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सर आपका BNN में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, मैं BNN का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पे हमारे मोहल्ले में आई। और आज की जो घटना है ये जाफरनगर टीचर कॉलोनी में हुई है। ये घटना ऐसी है कि जो सभी मोहल्ले में जो हालात बंद है, सब लोग अपने अपने घर में रहते हैं और रास्ते में कोई नज़र नहीं आता। उस दौरान कुछ लोग नकाब पहन के आते हैं और कुछ सादे वेश में आते हैं और कोई भी बिल्डिंग में घुस के एक मंगने के बहाने से वो अंदर घुस जाते हैं। इसी तरह आज सुबह यहाँ पे एक घटना हुई टीचर कॉलोनी में, और बहुत अच्छा एरिया, पॉश एरिया, लेकिन यहाँ प्रशासन ने ना कोई कैमरा है ना। आपने गिट्टी खदान थाने में इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई क्या? गिट्टी खदान थाने में इसकी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है, और यहाँ पे हमको प्रशासन से एक मांग है हमारी खास तौर पे कि जब हर एक एरिया में कैमरे हो सकते हैं, हर चौक पे कैमरे हो सकते हैं, तो एक मोहल्ले में भी कैमरे होना चाहिए। जो मंगने के बहाने से आते हैं, अपने आप को नकाब पहन के आते हैं और नकाब पहन के एक मुसलमानों को भी बदनाम करते, हो सकता है वो मुस्लिम ना हो। तो हमसे प्रशासन से मांग है कि ऐसी घटना को रोका जाना चाहिए। और जिस तरीके से वो अंदर आए, अंदर आने के बाद सीधा ऊपर चले गए और सीधा घर में लेडीज अकेली थी, उन्होंने चाबी मांगा, और उसके अलावा उन्होंने बच्चों के बारे में पूछा, बच्चे नहीं है तो चाबी मांगा, तो मोहल्ले में, और चाबी मांगने के बाद उन्होंने चाबी नहीं दी तो उनको मारा। तो जो ज़हीब बड़ी भी थी, जो हमारे बुजुर्ग बड़ी भी थी, वो बहुत डर चुके थे। और इससे हम चाहते हैं कि ऐसी अगर प्रॉब्लम अगर आते रहे, प्रशासन ने अगर ध्यान नहीं दिया, तो आज ये एक टाइम आएगा कि हर घर में उनको लोगों को जाना मुश्किल हो जाएगा। और ये जो लोग आते हैं इनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रशासन ने उसके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया और इनको पकड़ा नहीं, तो ये जो मोहल्ला है, अब हम जाके वहाँ पे प्रशासन के थाने में जाके आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसी घटना बार बार ना हो। मैं शिवसेना का शाखा प्रमुख हूँ यहाँ का, और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे मोहल्ले में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो यहाँ का मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ का प्रॉब्लम दूर करूँ। मेरे मोहल्ले में यहाँ पे, जब मेरे मोहल्ले में मैं अगर क्लियर नहीं कर सका, लोगों को अच्छा प्रशासन दे नहीं सका, तो दूसरे मोहल्ले में क्या काम करूँगा। मेरे मोहल्ले में आज चोर आके बुजुर्ग इंसान को मार के यहाँ से चले जाते हैं और हमको पता नहीं चलता। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये प्रशासन इसके ऊपर जल्द से जल्द ध्यान दे, और यहाँ के जो लोग रहते हैं इनको एक सेवा मिले, अच्छी सेवा। ये जो घटना अभी पूरे महाराष्ट्र के अंदर चारों तरफ चालू है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना, बताएं? जैसे कि अभी एक इंसिडेंट हमारे सामने हुआ है, इसमें बच्चे चोरी के बारे में भी उन लोगों ने कहा कि बच्चा हो तो ये भी करो। तो ऐसी घटना को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने कदम उठाना चाहिए, और जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटीज होती है, जैसे हमारा अनुरोध है कि हमारे एरिया में CCTV कैमरेज का प्रोविजन किया। तो आप आमदार साहब के साथ जाइए ना, उनसे बोलिए ना, कांग्रेस के अपने ना आमदार, हम अभी हमारा प्रोग्राम बना है, अभी नेक्स्ट ये वीक के अंदर ही हम आमदार साहब से भी जाकर के मिलेंगे, और हमारे एरिया में टीचर्स कॉलोनी में, इवन जाफरनगर टीचर्स कॉलोनी में कहीं भी कोई भी एक CCTV कैमरा नहीं है, तो ये CCTV कैमरे का प्रोविजन कराएं। और ऊपर से उसके बाद लोगों से भी यहाँ के निवेदन है, एरिया के लोगों से भी निवेदन है कि अगर कोई भी किसी को भी कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, नज़र आता है, तो तुरंत उससे पूछ करें कि वो कौन से एरिया से आया है, कहाँ से आया है, कहाँ रहने वाला है। हम यूँ ही हर एक को बाईपास ना करें, अभी जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से सबको ये करना पड़ेगा, तभी इन लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। और पुलिस प्रशासन से भी हमारा निवेदन रहेगा कि वो भी स्पेशल कुछ गश्त वगैरह करें, अरेंजमेंट ऐसा करें कि भाई पुलिस का गश्त हो इलाके में, और कोई जो भी ऐसे अनवांटेड लोग अगर दिखें तो उनको, उनसे पूछ की जाए। और प्रशासन से निवेदन है कि हमारे लिए कुछ CCTV कैमरेज का अरेंजमेंट करें, तो इस तरफ का हमारा अनुरोध है। प्लॉट नंबर 24 टीचर कॉलोनी, मेरे घर का वाकया है। मेरे घर में चौकीदार थे, उनकी वालदा के साथ में ऐसा आज जो हादसा गुजरा है, इसलिए मेरी प्रशासन मांग है कि ये यहाँ तुरंत कैमरे लगाए जाए, और पुलिस के द्वारा रात में भी गश्त होना चाहिए यहाँ पर, ये चोरी चिट्टे का और ये जो बच्चे उठाने का मामला जो चल रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। मारने की धमकी वगैरह दी है उन्होंने? हाँ, मारने की धमकी दी है उन लोगों ने, वो आदमी ने। वो लोग आए ना तो बोले मकान बैठे आकर मेरे पास में बातचीत कर रहे, तो बोले ये मकान देते हैं फ्लैट किराए से वो लोग, तो मैंने बोली नहीं वो देते नहीं फ्लैट किराए से, वो खुद मालक घर में रहते हैं। मैंने बोली अच्छा, बोले घर में रहते हैं? मैंने बोली हाँ घर में रहते हो। तो बोले बच्चे कहाँ हैं? बोले तुम्हारे थे। मैंने बच्चे यहाँ नहीं है, उनके अम्मी यहाँ गए, मायका गए, हमारे बहू और हम अकेले रहते, माँ बेटे, मेरा बेटा चौकीदारी करता और मैं अकेले रहती घर के अंदर।
तो ऐसा बोलते बोलते मेरे को मारे उन्होंने, एक ने मुंह दबाया, एक ने पेट पर बैठ के मारे उन्होंने, तो मेरे छोड़ो मेरा मुंह दबा दिया, मेरे मुंह में से आवाज नहीं निकल रही। तो मैं ऐसी उठी और उनको पैर मारी लोगों को, तो उठकर उठी मैं, तो फिर मेरे सज्जू भाई का, मेरे को सज्जू भाई का बेटा दिखा, तो मेरे सज्जू भाई और सज्जू भाई बाबा, मेरे मुंह में से आवाज नहीं निकल रहा, बाबा बाबा कर रही मैं। तो उन्होंने उन लोगों ने क्या सोचा कि बच्चा इधर आ रहा, तो भाग गए। उधर से एक आदमी बोलते थे, इधर में इनका काम होता बोले।